कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। नई मुंबई की तुर्बे पुलिस की टीम ने जेल से छूटने के बाद एक महिला के गले की चेन छीनने के आरोप में एक ईरानी आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस ईरानी आरोपी के ऊपर मुंबई, नई मुंबई, कल्याण सहित कई पुलिस स्टेशनों में 11 मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि तुर्बे पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक महिला के गले की चेन छीन ली गई थी, जिसकी शिकायत तुर्बे पुलिस स्टेशन में दर्ज थी। पुलिस ने इस मामले में एक ईरानी आरोपी को पकड़कर उसके पास से 70,000 रुपये कीमत का चोरी की चेन बरामद किया है। यह आरोपी साथी चेन स्नेचर है, जिसके ऊपर कई मामले विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज हैं। यह आरोपी कुछ दिन जेल में भी रहकर आ चुका है। इस आरोपी ने कितने और वारदात किए हैं, इसकी पुलिस जांच कर रही है। मुंबई से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। ये मामला हुआ था 15 जून को तकरीबन 12:30 से 1:30 के दरमियान। एक रामदेव होटल है जो नेशनल पार्क के पास है, वहाँ ये एक आरोपी जमा हो गए थे। और जो यहाँ इसमें जो कंप्लेनेंट है इंतिका सहियत, तो उसको बताया गया था कि आपको 5 करोड़ का लोन दिया जाएगा और इस लोन के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है तो वो 5 लाख है। तो 5 लाख जो है ये फिरियादी को लेके बुलाया था। और वहाँ जैसे कि ये कंप्लेनेंट पहुँचा और वहाँ पे ऑलरेडी जो 3 आरोपी थे, तब अचानक वहाँ 2 पुलिस आ गए कि जो सिविल ड्रेस में थे, और उन्होंने उनको बताया कि ये कैस कहाँ का पैसा है और आपका क्या चल रहा है, ऐसा बोल के इनको वहाँ से लेके गए, पैसा लेके गए। जो कंप्लेनेंट था उसको लगा कि ये सही में पुलिस की रेड है और वो चुप बैठा। लेकिन बाद में उसको पता चला कि ये जो पुलिस आए थे ये नकली पुलिस है। फिर ये कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दिया गया, एक जो चीटिंग का जो ऑफेंस है वो रजिस्टर किया गया। पुलिस ने तुरंत जो इसमें एक्यूज्ड है, 5 में से 3 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और 5 लाख में से 4,15,000 रुपया भी रिकवर किया है। ये जो 3 एक्यूज्ड जो है जो अरेस्ट किए हैं, उनमें से राम सिंह डोलगे ये जो एक्यूज्ड है ये एक निलंबित पुलिस है, और बाकी जो है उसमें से एक अजहर पटेल है ये मेन एक्यूज्ड है, जिसके खिलाफ और दो चीटिंग के मामले दर्ज है। इनका मोडस ऑपरेंडी यही है कि कंप्लेनेंट को लगता है कि यानी कि कोई होटल पे बुलाते हैं और वहाँ एक नकली पुलिस की रेड होती है और कंप्लेनेंट जो है वो डर जाता है और बाद में उसको पता चलता है कि ये जो पुलिस थी वो भी नकली थी। हाँ, लोन देने वाले भी उसी के थे, वहाँ मीडिएटर जो है उनको उनके ही थे, और वह जो रेड करने वाले जो नकली पुलिस है वो भी उनके ही थे। ये जो सस्पेंडेड जो पुलिस का अमलदार है, इसका नाम है राम सिंह डोलगे, ये एक यानी कि आर्म्ड पुलिस नायगांव से सस्पेंडेड है। कश्मीर की वादियाँ और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय। आप भी पीजिए।